हाय, मैं मनीष सर, नौकरी अड्डा 365 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कहा करते थे कि सर आप अपना स्टूडियो दिखाइए, कैसे क्या है, किस तरीके से आपने कराया है, काफ़ी कमेंट्स आया करते थे। तो मैं वो सारी चीज़ें आज आप लोग को दिखाने के लिए आ गया हूँ कि देखिए मैं कैसे क्या सेटअप कराया हूँ, कौन सा ब्रांड मैंने यूज़ किया है और वो कैसे उन्होंने मेरा हेल्प किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने के लिए आ गया हूँ। तो पहली बात तो ये जो मेरा जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम मेरा कॉर्निया से है, मैंने कॉर्निया ब्रांड का लिया है, कॉर्निया का ही मेरा बोर्ड भी है, कॉर्निया का ही मेरा कैमरा भी है, ठीक है, सारी चीज़ें मेरा कॉर्निया का ही है। सबसे अच्छी बात कॉर्निया में क्या है कि आपको सारी चीज़ें, मतलब अगर फंक्शनल वाइज करें तो फंक्शनल वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। फंक्शंस की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने जो लिया है वो 8/128 का है, अर्थात 8 GB रैम है और रोम आपका 128 है। ये चीज़ें हैं और थोड़ा सा मतलब जो कॉस्ट की बात करते हैं वो कॉस्ट काफ़ी, मतलब बहुत ना महंगा ना बहुत ही सस्ता, मतलब बहुत ही मैनुअल में मिल जाता है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं होता, बढ़िया तरीके से। तीसरी अगर अहम भूमिका बात करूँ तो पैनल का जो साइज है वो 75 इंच तो है ही है मेरा, जो मैंने यहाँ पर खरीदा है। और साथ ही साथ इनका जो पैनल का देखा जाए तो पैनल पर कोई इशू नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब लाइनिंग बहुत लाइनिंग नहीं ले रही है, जहाँ तक आप करते हैं बहुत सॉफ्टली यूज़ होता है और बहुत तेज़ी से कैप्चरिंग करता है। ये सबसे अच्छी बात है, सॉफ्ट यूज़ है और बहुत तेज़ी से कैप्चर करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो स्टाफ के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने तो लिया था ये दिल्ली से, हालांकि इनकी ब्रांच जो है पुणे में है, लेकिन मैंने जो परचेज़ किया वो दिल्ली में है। स्टाफ की बात करूँ तो स्टाफ बढ़िया है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए। तो थोड़ी बहुत देखिए सब जगह इशू रहते हैं, थोड़ी 19-20 तो होते रहते हैं, लेकिन स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल रहा है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ उन्होंने मेरा हेल्प किया है सारी चीज़ों में, तो इसका कोई इशू नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ बढ़िया चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आज भी हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी हमारे सारे जो उनके स्टाफ्स हैं कॉर्निया के, वो सभी चीज़ हमारे मिलके साथ साथ में काम करा देते हैं। अच्छा, एक अच्छी बड़ी बात यह है कि इन्होंने मुझे जो रिकमेंड किया, जैसे आप लोग कहते होंगे कि कितने पैसे लग जाते हैं कि स्टूडियो को बनाने, स्टूडियो को बनाने में रियलिटी बताऊँ, मैं पहले भी विश्वास नहीं मानता था जब इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। इन्होंने सिंपल रिकमेंड किया कि सर देखिए इतना पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बनाइए, सब कुछ काम वही करेगा आपका। मैंने नॉर्मल इनसे एक बोर्ड लिया, एक कैमरा HD क्वालिटी का लिया, इन्हों के द्वारा दिया गया मेरा एक, इनका एक माइक है, और इन्होंने कहा कि सर सिंपल सा एक आप i5 11th जनरेशन ले लीजिए CPU, उसको मैंने परचेज कर लिया बाहर से, ठीक है, इनवेल्ड कराया है। और रही बात जो एकॉस्टिंग रोम का, जो एकॉस्टिंग होता है फोम, वो इन्होंने कहा कि सर सिंपल है कि आप फोम को ले लीजिए और फोम को अपने से ही पेस्टिंग कर डालिए, वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, आपको सुटेबल भी रहेगा और कॉस्ट भी कम आएगी। और 50% सच में बता रहा हूँ, जितना आप कॉस्टिंग खरीदेंगे, खरीद कर आप रेडीमेड मटेरियल को लगाएंगे, उससे 50% कम आया है, तो बहुत है यार। उसके बाद लाइटिंग की बात आती है, तो लाइटिंग के लिए भी इन्होंने मुझे बहुत बढ़िया रिकमेंड किया कि सर लाइटिंग के लिए अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये एक एक स्टूडियो में, देखिए अपनी अच्छी बात है, अपने अपने पैसे की बात होती है कि कितना पैसा आप लगा पाते हैं। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया, मैंने सिंपल सा लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये मैंने लाइटिंग्स के पीछे खर्चे किए हैं, 5-5.5 हज़ार में मैंने पूरी लाइटिंग लगा दी है। उन्हीं के बताया गया था, उन्हें उन्होंने रिकमेंड किया था नॉर्मल ट्यूबलाइट का रिकमेंड किया था 20-20 वाट का, मैं वो चार रिकमेंड के रिकमेंड द्वारा चार लगा लिया हूँ और एक स्पोर्ट्स लाइट लगा लिया हूँ वो 18 वाट के, बस बाकी और कुछ नहीं मैंने यूज़ किया है। बाकी ये सारा जो सेटअप है ये उन्हीं के द्वारा मतलब बताया गया था, इंस्टॉलेशन जो था वो मैंने खुद कराया, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में इश्यूज हैं मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, बेहतर है। देखिए सिंपल है यार, एक बार बंदा कोई इंस्टॉलेशन के लिए आएगा, बार बार इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको ही कुछ ना कुछ आपको ही सीखना पड़ेगा। तो अच्छी बात तो यह है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं खुद के इंस्टॉलेशन से, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उस इंस्टॉलेशन के दौरान उस चीज़ से आप सीख भी जाते हो, आगे के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो, तो बड़ी अच्छी बात यह भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंस्टॉलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, थोड़ी बहुत तकलीफें हुई, लेकिन साथ में उनके स्टाफ्स हमारे लगे हुए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ और आज भी हमारे साथ वो लगे हुए, तो काफ़ी बेहतर रहा। कॉर्निया का सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा, कॉर्निया का जो टीम है, मेंबर है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, अभी तो यूज़ ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू कॉर्निया फॉर योर सपोर्ट्स एंड फॉर दिस प्रोडक्ट, थैंक यू।